Friends, live update. गुड इवनिंग कोलकाता 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम है निमेश और अभी भी आप सभी के लिए इस वक्त बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ प्राइड होटल से। और आज हमारी बातें हो रही है सिंगर पीयूष मेहरोलिया साथ ही साथ सिंगर मोहित लालवानी के साथ। वेल पीयूष के साथ हम बातें करेंगे। पीयूष आपसे जानना चाहूंगा, बचपन से आपने जैसे कहा कि आपको म्यूजिक लाइन में कुछ करना था, सिंगर बनना था, प्लेबैक सिंगिंग करनी थी, आपकी मॉम टीचर हैं, उसके बाद भी आपने सिंगिंग को ही अपना प्रोफेशन जो है उसे चुना है, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? इस बारे में मैं यही कहूंगा कि सारा श्रेय जो है और सारा इल्ज़ाम जो मैं कहूँगा वो मेरे डैड को है कि उन्होंने बचपन में कीड़ा छोड़ दिया म्यूज़िक वाला। जैसे मोहित भाई से बात हुई थी, कीड़ा बचपन में ही लगना चाहिए, और थैंक्स मेरे डैड को कि उन्होंने वो कीड़ा छोड़ दिया। तो उसी वजह से मैं बचपन से ही गाने सुनता आया हूँ, और मेरी मॉम ने भी बड़ा सपोर्ट किया कि चलो म्यूज़िक लाइन में जाना है तो बच्चे को करने दो। और घर में इंस्ट्रूमेंट्स थे तो एक पहले से ही एटमॉस्फेयर मिला घर पे म्यूज़िक का, तो सुनते 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 अपने आप म्यूज़िक का वो बात आ गई। और मुझे फर्स्ट पता चला था जब मैं 8th में था, मैंने गाना गाया था स्कूल में, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, तो इस वजह इस गाने के साथ मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। क्या? तो मेरे अंदर की आग थोड़ी और बढ़ गई, और वाह यार फर्स्ट प्राइज मिल गया, चलो शुरू कर देते हैं और भी। फिर मैंने गाना धीरे धीरे और शुरू कर दिया। फिर मैं पहले अपने डैड से सीखता था, फिर उसके बाद मैं पंडित मनोज देसाई जी हैं उनसे सीखा, फिर अब मैं फिलहाल सीख रहा हूँ मास्टर सलीम जी से, जो बॉलीवुड का ऑलरेडी बहुत बड़े नाम है, जिन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं बॉलीवुड के, और उनके साथ सीख रहा हूँ, और मोहित भाई से सीख रहा हूँ, उनके साथ रह रहा हूँ, तो मतलब यही चल रहा है अभी। मोहित, जब स्टेज की हम बातें करें तो आपने बहुत सारे दिग्गज सिंगर्स के साथ आपने परफॉर्म किया, कुछ अगर यादें हमारे साथ शेयर करें, सोनू निगम से लेकर मिक्का सिंह, कुछ अगर कहना चाहें सर? परफॉर्म तो सिंगर्स से लेकर जितने भी एक्टर्स हैं सबके साथ कर लिया अभी तक, और आर्टिस्ट जो होते हैं वो सभी अच्छे होते हैं, कोई आर्टिस्ट बुरा होता ही नहीं है, सबके दिल अच्छे होते हैं तभी वो आर्ट में एक्सेल कर पाते हैं और आर्टिस्ट होते हैं। तो हमने जो है, अगर मैं सिंगर की बात करूं, क्योंकि मैं पर्सनली सोनू जी को बहुत एडमायर करता हूं, वो बहुत अच्छे सिंगर हैं और उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ लाइफ में, तो उनके साथ जब मैंने परफॉर्म किया था तो मुझे वाकई में बहुत खुशी हुई, और उनसे उन्हें देखकर स्टेज पे उन्हें देखकर हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगा। और अपने साथ जब हम पहले हम उनके शोज देखने जाते थे जब हम छोटे होते थे, लेकिन जब वक्त आगे बढ़ा और ज़िंदगी आगे बढ़ी और हम भी एक ऐसे मुकाम पे आ गए, तो हमने उनके साथ भी एक ही मंच पे परफॉर्म किया, और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इट वॉज़ वेरी हार्ट फीलिंग कि आप आज उसके साथ परफॉर्म कर रहे हो, उस आर्टिस्ट के साथ जिन्हें आप प्यार करते हो, तो ये मेरा एक अच्छा अनुभव था। और वैसे हमने सलमान खान और शाहरुख खान जी के साथ भी परफॉर्म किया है, जो कि यूजुअली हमने बहुत ग्रैंड जो इंडियन फैट वेडिंग्स होती हैं उसमें परफॉर्म किया है, तो उसमें वो डांस करते हैं आके, और आके अपने कुछ डायलॉग्स बोलते हैं और हम परफॉर्म करते हैं, ये मैंने गाया और शाहरुख खान ने परफॉर्म किया अपने पूरी टीम के साथ, डांसर्स के साथ, सेम वे सलमान जी ने परफॉर्म किया है, तो इट इज़ लाइक दैट। So we have done that also, and it is again very heart-filling and a beautiful experience. मोहित, आपको बता दूं कि जैसे ही खबर आई कि आपके साथ हमारी फ्रेंड्स एफएम पे बिल्कुल लाइव बातें होगी, बहुत सारे सवाल हमने ऑन एयर कहा कि आपके साथ सवाल जवाब किया जा सकता है। संजना, इनका नाम, ये पूछना चाहती हैं कि ऐसा कौन सा एक्टर होगा जिसके लिए आप प्लेबैक करना चाहेंगे, उनके लिए आप गाना गाना चाहेंगे, उनकी आवाज़ देना चाहेंगे, वो गाना कौन सा एक्टर होगा? संजना को अगर आप हाय कह दें पहले। हाय संजना, हाउ आर यू? आपका क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। मैं जो आपका ड्रीम है कि इनके लिए, मैं सोचता हूँ रणबीर सिंह एंड रणबीर कपूर, आई थिंक ये दोनों एक्टर जो हैं न्यू एज एक्टर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, जो दोनों बहुत बहुत मेहनत करते हैं और इनका काम मुझे बहुत उम्दा लगता है आज के जितने और एक्टर्स हैं उनसे, मतलब मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ जो ए लीग के एक्टर्स हैं जो पहले से ही वेटरन्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनमें सारे खान्स आते हैं या फिर ऋतिक रोशन या ये जो सीनियर एक्टर्स हैं, मैं आज न्यू एज एक्टर्स की बात करता हूँ तो उसमें मुझे रणवीर सिंह और रणबीर कपूर दोनों ही बहुत मेहनती और अच्छे एक्टर्स लगते हैं, तो इनके लिए मैं सबसे पहले गाना चाहूँगा। मुझे आने वाले कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज़। फ्यूचर प्लान्स हाल फिलहाल तो पेरेंट्स मेरे पीछे पड़े हैं कि शादी कर लो, तो उन लड़कियों का क्या होगा, जैसे कि हमारी वेदिका के साथ भी बातें होती है, आपके फैन फॉलोअर्स कोलकाता में हम सब जानते हैं माशाल्लाह, लड़कियां इंतजार कर रही हैं आज आप परफॉर्म करने वाले, कुछ कहते जाइए। देखिए, पेरेंट्स का दिल मैं तोड़ नहीं सकता हूँ और लड़कियों का भी नहीं तोड़ सकता हूँ, तो मैं पेरेंट्स को हमेशा टालता रहता हूँ,
ये बोल बोल के कि हाँ थोड़ा टाइम और रुकिए, थोड़ा टाइम और रुकिए, थोड़ा टाइम और रुकिए, क्योंकि मैं इधर भी ध्यान रखना चाहता हूँ कि जितनी ये लड़कियां हैं इनका दिल ना टूटे क्योंकि मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ. थैंक यू, कीप लविंग यू, ऑल आर सो ब्यूटीफुल एंड आई एम सो एक्साइटेड दैट आई एम ऑन 91.9 फ्रेंड्स एफएम, व्हिच इज आई हैव हर्ड वन ऑफ द बेस्ट एफएम्स ऑफ द नेशन, नॉट ओनली कोलकाता. थैंक यू अनिमेश, इट वॉज प्लेजर. मोहित, अभी सवाल है मेरे पास और भी, मैं इतनी जल्दी आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ जब आप मिले हैं मुझे तो. मोहित, मुझे ये बताइए कि बचपन से ये कीड़ा आपको काट रखा था, जब इंडियन आइडल 4 की हम बातें कर रहे हैं, पहले से ये कीड़ा आपको काट रखा था कि सिंगर आप बनेंगे? जैसे पीयूष ने कहा है कि वो सिंगर बनना चाहते थे बचपन से, उन्होंने सोच रखा था, आपने क्या सोचा था? हाँ जी, ये आप कीड़े की बात बोल रहे हैं तो हाँ, ये कीड़ा बचपन में ही काट लेता है सबको. अगर बचपन में ना काटे तो फिर मुश्किल होता है कि आप इस प्रोफेशन में आ पाएं, क्योंकि या तो आप पहले से ही एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर अगर ये आपको बचपन में आपको ये पैशन और ये इंटरेस्ट आ जाए कि आप म्यूजिक करना चाहते हैं तो आप बचपन से सीखना शुरू करते हैं, या फिर आपका पूरा रुझान संगीत की तरफ होता है तो विद टाइम आप ग्रो करके एक म्यूजिशियन या एक सिंगर बन पाते हैं, क्योंकि इट टेक्स टाइम, इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, चाहे एक इंस्ट्रूमेंट बजाने की बात हो चाहे गाने की बात हो. तो किसी भी केस में इट इज अ टफ जॉब, एंड मैं बचपन से ही स्कूल में था तब से डिस्कवर हो गया था मेरा गाना. और फिर जो जबकि अगर मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग, कि मैं स्कूल में जब मेरे ख्याल से 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, 5th ग्रेड में, तो मेरी टीचर मुझे, म्यूजिक टीचर मुझे क्लास से बाहर निकाल देती थी. क्यों? क्योंकि मैं बहुत शैतान था. कभी मैं किसी लड़की की चोटी खींचता था, कभी मैं किसी की टाई खींच देता था, नॉट ओनली गर्ल्स, मतलब लड़कों की भी, मतलब इतना नटखट भी नहीं था. तो ये सब मैं करता रहता था क्लास में, तो मेरी टीचर मुझे बोलती थी कि तुम ना खुद तक गाते हो ना खुद कुछ सीखते हो और सबको डिस्टर्ब करते हो, तुम क्लास से बाहर निकलो. तो मैं क्लास के बाहर खड़ा रहता था और मुझे बड़ी खुशी होती थी बाहर खड़े होके, पता नहीं क्यों बाहर खड़े होके आई यूज्ड टू लुक. आज का दिन बन गया. हाँ, आज का दिन बन गया, मैं बाहर आ गया, बच गया क्लास से. हाँ, और मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा कि मेरा ऐसा इंटरेस्ट होगा और संगीत से मेरा ऐसा जुड़ाव होगा, ऐसा रूहानी कनेक्शन होगा कि वो मुझे यहाँ ले आएगा और मैं इतना प्यार करूंगा और वो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाएगा. मोहित, कौस्तव आपसे जानना चाहते हैं कि एक अच्छे सिंगर की क्या पहचान होती है, आप क्या कहेंगे? कौस्तव भाई, अच्छे सिंगर की क्या पहचान होती है? अच्छे सिंगर की पहचान होती है उसकी ओरिजिनलिटी और उसका ऑब्वियसली सुर सबसे इम्पोर्टेंट होता है. लेकिन आजकल के टाइम पे जो मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि टोनैलिटी, टोन हैज ऑल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा सिंगर जो कभी भी किसी भी ज़माने में आप उठा लें, चाहे वो तानसेन जी के ज़माने का हो, चाहे वो आज हमारे ज़माने का हो, उस पूरे समय में एक ही बात सबसे सामने आती है, जो है कि अच्छा गाना. अच्छा गाना मतलब सुर में गाना, आवाज़ कैसी भी हो अगर आप सुर में गाते हैं, क्योंकि सुर ही दिल पे लगता है, सुर ही कानों में सुनने में अच्छा लगता है, चाहे वो किसी, मतलब आप चाहे किसी जानवर के सामने गाएं, चाहे किसी पेड़ पौधे के सामने गाएं, चाहे किसी इंसान के सामने गाएं, सुर की मार लगती है और कुछ नहीं है. तो सुर अच्छा हो तो वो संगीतकार या वो संगीतज्ञ या फिर वो सिंगर ही अच्छा है, वो गायक अच्छा है. बिल्कुल सही बात की. वैसे बता दो कि जोइता है ये आपसे जानना चाह रही है कि हमने हमेशा देखा है कि एक एक सिंगर जो है वो एक्टर बन जाता है, एक एक्टर जो है सिंगर बन जाता है, तो क्या आने वाले दिनों में भी हम देख पाएंगे कि मोहित जो है वो एक्टर बन जाएंगे, कहीं पे मूवीज में, सीरियल्स में कहीं पे नजर आएंगे, ऐसा कोई चांस है? हाय जोइता, यू हैव अ ब्यूटीफुल नेम. अच्छा, आपका क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है. हाँ, तो मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि मैं कभी ऐसा ख्याल आया कि जब मैं कॉलेज में था तो मैं थिएटर करता था. म्यूजिक से तो जुड़ा ही था लेकिन साथ साथ थिएटर करता था. जब मैं इंडियन आइडल के बाद बॉम्बे में रहने लगा, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ ओरिजिनली और मैं बम्बई में रहने लगा, तो उस समय मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई कि मैं एक्टिंग करूँ, पर क्योंकि मैं म्यूजिक ही करना चाहता था पहले, तो मैंने और किसी चीज़ पर फोकस नहीं किया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बिकम अ सिंगर फर्स्ट. क्योंकि अगर मैं दो नाव में सवार हो जाऊंगा एक साथ तो फिर मैं कहीं पे भी बढ़ नहीं पाऊंगा. तो मैंने पहले संगीत को चुना, क्योंकि संगीत से मेरा प्यार है, पहले मेरा पहला प्यार संगीत है, तो मैंने संगीत को चुना और मैं म्यूजिक को लेके आगे बढ़ा. और आई थिंक 5 ईयर्स डाउन द लाइन, इफ आई फील दैट या आई वुड लाइक टू, इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्ट, आई वुड लव टू एक्ट, बिकॉज आई नो दैट आई एम अ करेक्टर वेयर आई कैन एक्ट, वेयर आई कैन परफॉर्म. सो विद टाइम आई हैव लर्न ऑल दोज थिंग्स एंड आई कैन फेस कैमरा वेरी वेल. So, I think I will.
एक्ट, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट इट. बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले दिनों में और भी ऐसे ही हम चाहेंगे कि आप दोनों एक साथ काम करते रहे. मोहित, जाते जाते जो लोग आपको सुन रहे हैं, ये पीयूष का बड़प्पन है जो वो कह रहा है वो मुझसे सीख रहा है, मैं उससे सीख रहा हूँ. वैसे जाते जाते कुछ कहते जाइए जो आपके फैंस आपको सुन रहे हैं इस वक्त, कोलकाता शहर में सुन रहे 40 लाख हमारे लिसनर्स हैं जो सुन रहे हैं इस वक्त आप दोनों की आवाज, उन सभी से कुछ कहते जाइए. हेलो ऑल यू ब्यूटीफुल 40 लाख लोग, हाउ यू डूइंग. अच्छा, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ही सही चैनल पे आपने ट्यून इन किया हुआ है. 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे आप हमेशा ट्यून इन करके रहिए और हम यहाँ पे आते रहेंगे आपके लिए, ऐसे गाते रहेंगे और अनिमेश जैसे प्यारे आरजेज आपको एंटरटेन करते रहेंगे. एंड डेफिनेटली जाते जाते हम लोग आपके लिए सिर्फ एक गाना ही गा सकते हैं क्योंकि हम गाना गाते हैं, हमें यही आता है. तो कौन सा गाना गाए यार? हाँ, मोहित भाई से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा एक फेवरेट गाना है और वो उन्हीं का गाना है जिनको आप बहुत एडमायर करते हो, सोनू जी का, सूरज हुआ मध्यम. सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये है यूं पिघलने लगा. सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये है यूं पिघलने लगा. मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी. ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है. है खूबसूरत ये पल, सब कुछ रहा है बदल, सपने हकीकत में जो डल रहे हैं. है सदियों से पुराना ये रिश्ता जो हमारा, क्या इस तरह तुमसे हम मिल रहे हैं. यूं ही रहे हम तुम प्यार का मौसम, यूं ही मिलो हमसे तुम जन्म जन्म. न ठहरा रहा, जमी चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी. हो क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है. हाँ, ये मेरा पहला पहला प्यार है क्योंकि अनिमेश सच्ची में मुझे 91.9 फ्रेंड एफएम पे आके सच्ची में प्यार हो गया आपके पूरे स्टाफ से, आपके पूरे क्रू से. और थैंक यू फॉर कॉलिंग अस हियर एंड दिस इज रियली ब्यूटीफुल, आई एम रियली एंजॉयिंग. एंड थैंक यू पीयूष फॉर एकम्पनिंग, एंड पीयूष इज आल्सो अ टैलेंटेड आर्टिस्ट, आई रियली लव हिम. एंड थैंक यू टू 91.9 फ्रेंड एफएम एंड टू ऑल द प्लस 40 लाख लिसनर्स. थैंक यू सो मच मोहित, थैंक यू सो मच पीयूष हमारे साथ बातें करने के लिए. बहुत अच्छा लगा आप दोनों के साथ बातें करके. हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह कोलकाता शहर आते रहे, हम सबको एंटरटेन करते रहे. नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी और भी ढेर बातें होगी, आते रहेंगे, पीछे नहीं छोड़ेंगे आपको. बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाह रहे हैं कि पीछे नहीं छूटे, और भी ढेर सारी हमारी बातें हो रही. थैंक यू सो मच पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल, जब जब आप आओगे और जब जब मुझे लगेगा मैं आपको बुलाऊंगा, आप दोनों को बुलाऊंगा और ज्यादा हमें चाहेंगे कि आप कोलकाता में आकर हम सबको एंटरटेन करें. एक काम और कर दीजिए प्लीज. बिल्कुल बोलिए, अभी यहाँ पे गुरेर रसगुल्ला कहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट. थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल. हमारी बातें हुई थी नॉन अदर देन वेरी टैलेंटेड सिंगर मोहित लालवानी साथ ही साथ पीयूष के साथ ऑन 91.9 फ्रेंड्स एफएम. आड़ा गान, टोटल फन.